नरेश, हेलो। नरेश, आपने इनसाइड सर्कल 30 लिया, ओके। उसके ऊपर मैं बोला केवल थिकनेस आपको 10 mm लेना है, इतना कैसे आ गया ये? सो टेन नाउ इट एमएम तो बिकम्स अ 40। सर, उसमें सर देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपका जो है ना आई डायमीटर से जो लेंथ है ना, जो वो 160 लेना है नीचे, बस वो तो ठीक है, वो तो समझ गया। का वो तो स्टैंडर्ड वो मतलब ना, तो वो 2D लिया हुआ है अपना, जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है ना, जो वहां से लेके ये 2D आएगा डायमीटर, आई डी में से वो स्टैंडर्ड में इतना है सर। ये क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन से ड्रॉ करना है। स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन से आपने लिया, ओके ठीक है। बट यहाँ पे आपका जहां पे ये कनेक्ट हो रहा है ना रेक्टेंगल से, तो वहां पे तो थोड़ा वो कर पोर्शन दिखाना होगा ना, हाँ, कर्व को सिंपल वो जो आपने उसको साइड व्यू सब जब दिखा रहे हो, तो वो तो ठीक करना है। दैट थिंग वो होता हमको, है। हाँ वो इसमें आएगा, फ्रंट में आएगा। और हाफ पोर्शन से सपोज आपका टोटल आपका 160 आप अगर स्टैंडर्ड में दिया है आपको सेंटर से लेने के लिए टोटल, सो नाउ यू कैन टेक द 80 हियर, ओके। और सर ये हेड जो दिखा, मैंने हेड नीचे ही दिखाना है ना सर, 18। वो तो प्लेट उसका हेड रहेगा ना, बोल्ट का हेड वही बोल रहा है प्लेट के लिए। और उसमें क्या लिफ्टिंग लग जो रहता है ना, वो एक रेक्टेंगुलर प्लेट के बेस पे ही रहता है, तो वो ऐसे ही रहेगा। नहीं, वो थ्रेड मैंने जो किया है, जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है ना, उससे नीचे लिया है थोड़े थ्रेड। नहीं, उसमें नहीं आएगा, नीचे नहीं आएगा, वो उसके साथ ही लगा रहता है। ठीक है, ये तो साइड व्यू में दिखा है, वो सही है क्या? साइड व्यू में जो आएगा उसके अकॉर्डिंग जब आप बनाएंगे ना, तो ये जो इनसाइड, ये जो डॉटेड आप जो दिखा रहे हो ना, वो बीच में डॉटेड आएगा, क्योंकि आपका जो सर्कल का जो फेस है वो अंदर वाला फेस नहीं दिखेगा ना। ऊपर वाला आप क्यों, वहां कैसे सर्कल वो आप दिखा रहे हो? नहीं, ऊपर वाला तो सही है, वन अंदर वाला सर्कल डॉटेड आएगा क्या सर? वो बीच में आएगा, आप ऊपर में दिखा रहे हो। ऊपर में तो वो मैं बताया ना कि वो एक रॉड है ना, जो सामने से सर्कल है, बट उस रॉड को उसको घुमा करके सामने से देखेंगे तो वो केवल एक मतलब उसका एक रेक्टेंगल जैसा ही दिखेगा। बीच में उसका डॉटेड आएगा ना, सेंटर के उसमें पास दो लाइन, डॉटेड आएगा ना, दो फेस का। दो लाइन डॉटेड दिखा देंगे बीच में। हाँ आपको क्रॉस सेक्शन उसका क्रॉस ये लाइन के क्रॉस सेक्शन में लेते हुए, मतलब हॉरिजॉन्टली, मैं थोड़ा सा आपके ड्राइंग को करेक्ट कर देता हूँ। ठीक यस मोहित, आपका ये फ्रंट वाला पार्ट सही है। नाउ यू ड्रॉ द साइड व्यू। साइड व्यू एंड ये नरेश, वो स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में कहाँ पे है जिसमें ये लिखा है कि वो सेंटर से 2D आता है, मतलब अपना 2D आएगा, वो थोड़ा भेजिए ना, तो मेरे को भी वो थोड़ा रेफरेंस के लिए रहे। हाँ फोटो भेजता हूँ सर। वो अगर बुक है या कुछ है आपके पास तो प्लीज शेयर सर ये जो कीजिए। अपना 160 mm है वो सही है क्या लेंथ? देख लेते हैं अभी। वो मेरे पास क्या है ना कि वो मेरे पास कुछ ऐसा, मेरे पास इसका स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन का डिटेल नहीं है, इसलिए मैं उसको बेस से ले रहा हूँ। चलेगा, मतलब अगर सेंटर ऑफ आई से भी लेंगे तो 160 लेंगे, नीचे से लें तो भी मतलब ठीक है, आइदर ऑफ करना है ना, कोई भी प्रोसीजर सही है। बट अभी नरेश ने और ये अपना हर्षित भाई ने भेजा है, वो बता रहे हैं कि ये अपना उसके सेंटर से है, वो 2D नहीं, 2D तक तो वो बेस प्लेट तक ही है, बेस से इसका लेंथ 1.5D बोल रहे हैं। पता नहीं ये मैं, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड प्रोपोर्शनेट से जो आ रहा है वो अलग आ रहा है, हमारा क्वेश्चन कुछ अलग बोल रहा है। हाँ सर, हमारा हाँ क्वेश्चन बोल रहा है टोटल लेंथ फ्रॉम सेंटर, अच्छा हमारा ओके सेंटर, ओके ओके। तो वहां से जब हम लेंगे तब तो अपना 2D प्लस 1.5D मतलब 3.5D आ जाएगा। सेंटर से। हाँ सेंटर से।
नहीं उसमें से जो दिया है उस हिसाब से लेंगे तो ठीक है, जो नहीं दिया है वो स्टैंडर्ड से ले लेंगे, जो दिया है उसमें उसको ले लेंगे। तो वही बोल रहा हूँ ना कि अगर सेंटर से कंसीडर करते हैं देन इट बिकम्स द 3.5D। ओके सर, उसको ना सेंटर से 1.5D है ना सर, उसका हाफ चाप लेंगे सर और उसमें ऐड करेंगे सर 1.75 1D। ऊपर सेंटर तक 2D। हाँ वो 2D ले रहे हैं। सो टोटल अगर हम देखेंगे यहाँ से तो दैट इज कम टू 3.5D। यस यस सर, यस सर। सर पर वो डायमेंशन तो दिया है लेकिन क्वेश्चन में ही दे दिया है ना कि टोटल लेंथ फ्रॉम सेंटर ऑफ द इज 160। हाँ सर, वो सेंटर से ही लेना पड़ेगा सर। हाँ वो सेंटर से ही रहेगा, वो सेंटर से ही हमारा 160 जो है ना वो 3.5D के बराबर है। 2D अपना क्या दिया नहीं है अपने क्वेश्चन में, तो 2D ऐसे ही ले लेंगे और क्या। क्योंकि बेस प्लेट का भी कोई मतलब स्टैंडर्ड डिटेल्स नहीं है कि बेस प्लेट्स का उसका जो विड्थ होगा और हाइट होगा और उसका जो लेंथ होगा वो कितना है। सर वो निकलता है सर, बेस प्लेट का हाइट विड्थ तो और सब निकल के फिर होता है सर। सर इस क्वेश्चन में जो मैंने फोटो भेजा उसमें साइड व्यू में देखिए सर, दो सर्कल आ रहे हैं उसमें फोटो भेजा उस। उसका बेस प्लेट का नीचे वाला 2D तक जाता है सर और 0.4D उसका अपर वाला जाता है सर। नहीं और ये बेस प्लेट का थिकनेस कितना होगा वो मैं पूछ रहा हूँ, बेस प्लेट का वो तो ठीक है उसको ऊपर निकल गया ना, 2D माइनस 0.4D निकालेंगे तो उसका थिकनेस आ जाएगा सर। ओके 1.6D उसका थिकनेस ले लेंगे। यस यस सर, यस सर, ठीक है। ओके ये डिटेल मेरे पास नहीं था तो मैं बस ऐसे ही उसको करके उसको प्रिपेयर किया था सर। मतलब ये सब तो फिर मतलब वो अजम्पशन ही है ना वहाँ पर, तो अपना ये तो यहाँ पे इसमें दिखा दिया ऐसा, इसलिए अभी क्वेश्चन जो देख रहे हैं उसमें तो कुछ नहीं है, ये स्टैंडर्ड है ना सर, ये तो अजम्पशन का है। नहीं नहीं क्वेश्चन जब हम करेंगे तो स्टैंडर्ड हमें याद रखना सर, उसमें क्वेश्चन में ज्यादातर डी दिया हुआ रहता है अपने को, ये अजम्पशन से ही तो निकलेगा सर, स्टैंडर्ड से ही निकलेगा ज्यादातर। ठीक है अपने को एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो थोड़ा तो रहेगा ना कि भाई कैसा था, सारा डायमेंशन के सारे स्टैंडर्ड्स को करेंगे तो बाकी दो पेपर फिर क्या करेंगे। सर एक क्वेश्चन सर, इसका साइड व्यू जो देखा दिखाया है फोटो में उसमें मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है, साइड व्यू से आप देखेंगे तो वहां सर्कल क्यों आएगा, आपका ये बीच वाला सर्कल का जो दो एज रहेगा वो डॉटेड आना चाहिए आपका, वो तो पूरा एक रॉड रेक्टेंगल सेक्शन ही आना चाहिए, बीच में डॉटेड आना चाहिए, पता नहीं इसमें साइड व्यू में दिया है ना ऊपर और नीचे डॉटेड सर्कल। सर साइड व्यू का बना के दे दीजिए ना व्यू। ओके मैं अपने अकॉर्डिंग बना के दे देता हूँ भाई। हाँ, ठीक है जस्ट वन मिनट मैं करके आपको शेयर करता हूँ। साइड व्यू समझ में नहीं आ रहा है सर। सर आइए शेयर इमेज साइड व्यू, हाउ इज दिस कम। हाँ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ वी ड्रॉ द फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू ऑफ लिफ्टिंग आई बोल ऑफ द साइज 30 mm विद द स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन, इट इज रेक्टेंगुलर इन क्रॉस सेक्शन एज इट्स हेड। ओके एडिंग इन होल्डिंग इट टू प्रिवेंट द रोटेशन, टेक आई diameter whole diameter equal, okay, thread length is 80 mm and total length from the center of eye is 160 हो जाएगा वो जो। लेकिन rectangle जो जो cross section के बारे में बोला ना उसका कोई dimension नहीं दिया हुआ है sir, your screen is l by b is not mentioned, sorry question नहीं दिख रहा है, question your screen is not visible sir. okay just a minute. Now it is okay. Hello.
Hello. Hi, sir. Yes. So now we will draw the question. Example one, question A. मैं यहाँ पे बता रहा था कि यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर जो क्रॉस सेक्शन का जो बोर्ड है ना, जो उसको रोटेट होने से प्रिवेंट कर रहा है, उसका कोई स्टैंडर्ड कोई डायमेंशन नहीं दिया है, मीन्स एल बाई बी का कुछ नहीं दिया है, लेंथ और उसका जो कितना ब्रेथ होगा वो कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है. सो दैट वी हैव टेकन एज आवर स्टैंडर्ड प्रोपोर्शनेट से ही आप उसको ये कर लीजिएगा, 40-10 ऐसा करके या 30-20 ऐसा लेकर आप कर सकते हैं. मतलब जो उसका लेंथ होगा वो आप समझ लीजिए, इसका जो बोल्ट्स का डायमीटर साइज 40-10 ले लीजिएगा. सो वी विल टेक हियर द वैल्यू ऑफ डी इज 30. एंड उसका जो थिकनेस है ना वो हम ले लेते हैं 10 mm. तो जो आउटर सर्कल जो अपना रहेगा उसमें 10 mm का थिकनेस पूरा ऐड हो जाएगा. जो बोल्ट्स का डायमीटर आ रहा है ना वो भी यहाँ पे 30 ही अपने को ले लेंगे, ओके. बट उसका जो लेंथ है, टोटल लेंथ जो रहेगा वो 160 रहेगा. थ्रेडेड पार्ट वुड बी योर 80 mm. आप थिकनेस आप ले लीजिए, थिकनेस 10 mm आप ले सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा तो नहीं है, ये 30 mm का ही हो है, तो उसमें स्टैंडर्ड प्रोपोर्शनल से आप उसका थिकनेस 10 ले लीजिए. हियर वी आर जस्ट टेकिंग द डायमेंशन ऑफ दैट रेक्टेंगुलर सेक्शन इज 40 by 10. सो हियर वी हैव टू ड्रॉ द फ्रंट व्यू, ओके. And inside view, what will become your eye bolt looks as a rectangle plate, and full rectangle plate will be shown. So it will again it will come as a rectangle plate, and after that your bolts will be appear. So again I will prepare the side view. So this I have prepared the front view. Now I am preparing the side view. So now it is okay. Sir, यहाँ पे ऐसा लिखा है कि यहाँ पे it is a rectangular in cross section at its head. तो side view में पूरा rectangular ही आएगा ना view? नहीं, इसमें क्या है ना, आपका क्या रहता है, eye bolt जो रहता है ना उसके बाद एक rectangular plate लगा रहता है जो कि मतलब उसको move नहीं होने दे, और उसके नीचे फिर अपना मतलब उस प्लेट के साथ अपना मतलब ये बोल्ट्स लगा रहता है, ओके. आपने जो वो जो आई के नीचे जो ड्रॉ किया है 40 × 10 वो वाली बात कर रहे हैं? हाँ, वो तो रेक्टेंगल ही है, वो तो वैसे ही दिखेगा. और साइड व्यू में भी जब हम बनाएंगे ना, ये हमने फ्रंट व्यू से बनाया, साइड व्यू से बनाएंगे तो जो आई बोल्ट्स है वो केवल एक रॉड ही दिखेगा और उसके नीचे रेक्टेंगल प्लेट दिखेगा, और बाकी जो बोल्ट्स है तो बोल्ट्स तो सिमेट्रिक ही दिखेगा. जी सर, लेकिन इधर ऐसा लिखा इट इज अ रेक्टेंगुलर इन क्रॉस सेक्शन एट इट्स हेड, ऐसा लिखा है, उसका मतलब क्या हुआ? हेड मतलब बोल्ट्स के हेड के बारे में बोल रहा है, इट इज टॉकिंग अबाउट बोल्ट हेड. ओके ओके, गॉट इट. ओके ओके, करेक्ट करेक्ट. सर मेरे को एक डाउट है, कहीं कहीं पे हेक्सागोनल जो नट है उसका सॉरी बोल्ट है उसका जो थिकनेस है वो 0.8D कहीं कहीं D लिया है, वो मतलब क्यों इतना कॉन्ट्राडिक्टिंग है? आपने 0.6 बोला है. भाई मैं भी जो बुक में देखा हूँ ना वो 0.6 पे ही सारा है, ठीक है. बट कैसे आता है ये मेरे को भी मालूम नहीं है, ठीक है. बट मैं मैक्सिमम जो बुक्स में देखा हूँ उसमें 0.6D लिया है. बोल्ट्स का हेड हाइट ना, वो हेड हाइट के बारे में बोल रहे हैं ना. जी जी हाँ, तो इट इज 0.6D ही है, ठीक है सर. I have not question about ये thread का pitch कैसे लेना, ये हो गया ना. Now it is okay. How we will take the pitch of the thread? हाँ, yes. Somewhere it is. You will find 0.8D also. Yeah. Pitch बता दीजिए. Pitch का pitch is 4 mm. So if you are going with the scale of
one jam, you take four. And if it is you are going with the one jam two, then you take the two. Yes, Naresh, it is okay. But now you show the threads. Yes, it is right. No, no. Only inside the inside circle will be 3/4. Naresh Javrani. हेलो सर, हाँ बोलिए। अंदर का जो सर्कल, अंदर का जो थ्रेड वाला, अंदर वाला जो थ्रेड के लिए जो हम सर्कल दिखा रहे हैं ना, वही वाला केवल 3/4 होता है। इट इज ऑल्सो द डिनोशन दैट देर इज ए इनसाइड थ्रेड इज देयर, वो सिंबल में आता है। तो अपना एक ही सर्कल देखें, एक सर्कल आपका वो बाहर वाला जो रहेगा ना, वो फॉर्म लाइन वाला रहेगा, क्योंकि वो तो बीच वाले के लिए आ रहा है, वो दैट इज ओके। जो अपना इसको आप करके कर रहे हो ना, आप सपोज कितना लेके कर रहे हो इसको, ये वन जेम टू, वन जेम टू। तो ये बीच वाला जो आपका लाइन जो आ रहा है ना, मिडिल वाला, ठीक है, दो प्रोजेक्शन, इस पर जो एक सर्कल आप जो ड्रॉ कर रहे हो बाहर, उसमें वो फॉर्म लाइन रहेगा, और अंदर जो उसमें क्या करना है, 2 mm या 3 mm छोड़ करके जो थ्रेड वाला, जो थ्रेड वाला हिस्सा है ना, वो केवल 3/4 होगा। मतलब चार क्वाड्रेंट रहता है ना, तो आपको केवल 3 क्वाड्रेंट ही दिखाना है, 1 क्वाड्रेंट नहीं दिखाना है सर्कल का। अच्छा, तो एक क्वाड्रेंट को आप 1, 2, 3, 4 क्वाड्रेंट को आप मिटा दीजिएगा। सर आई सेंड अ मैसेज, चेक ऑन सर। यस चरण, आई सेंड अ मैसेज सर। हाँ, इट इज ओके, बट ओके, 0.6D यू हैव टेकन एंड दिस इज दिस, ओके। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, द बोल्ट लेंथ विल फॉर्म फॉर्म सर्कल इनसाइड, एंड what is the threaded length, so this thread is inside the thread, so there will be the 3/4 dotted circle will be there. Charan, you got my point? Yes sir, yes sir. पीच में सर, पीच दिखाने का जरूरत है कि ऐसे ही लिख दे तो चल जाए? नहीं भाई, वो मैं नहीं, मेरे पास पेपर नहीं आएगा। नहीं नहीं, थ्रेड अपना थ्रेड दिखाने का, या दो लाइन दिखा देते तो थ्रेड चल जाता है सर। वो ठीक है थ्रेड, वो तो सब, अगर पीच नहीं दिया रहता तो आई अंडरस्टैंड, ओके, कि आप केवल उससे आप कर सकते हैं, थ्रेड दिखा दे देंगे, but they have mentioned the, we can say the pitches, so we have to show in the drawing. और ऐसा एक बार नहीं, एक बार और आपका यहाँ पे एक बार और वो आया है, M20 × 1.5 × 48। एक टाइम कर लीजिए ना, एक टाइम प्रैक्टिस कर लेंगे, so that's enough. ये ड्राइंग में साइड व्यू में तो कुछ दिखा, सॉरी यार, जो अपना फिगर दिखा रहे हैं, हाँ हाँ प्रेजेंटेशन, नहीं इसमें क्या था ना, इसमें क्या है कि इसमें अलग अलग वोल्ट्स का ना वो सारा डिटेल्स, मतलब स्टैंडर्ड प्रोपोर्शंस का डिटेल दिया हुआ है, कि उसका M24 के लिए पिच कितना होगा, ओके, बाकी जो डायमेंशंस है वो कितना है, वो इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूँ। सर्कल में बीच में कहाँ, सर्कल तो बीच में आया ही नहीं है इनमें तो। नहीं, एक मिनट, जस्ट वन मिनट मैं आपको भेजता हूँ, जस्ट वन मिनट सर। मैंने भेजा है, अभी देखिएगा सही है क्या। हाँ ये सही है, नाउ इट इज ओके। अभी ये जो आपका, अभी मैं बताता हूँ, एक मिनट।
मैं आपका ड्राइंग का करेक्शन करता हूँ। ओके अभी ये जो आपका जो बोल्ट्स का डायमीटर है ना, बोल्ट्स का जो डी है ना डिस्टेंस, उसका प्रोजेक्शन को ऊपर लेकर के एक फॉर्म सर्कल बनेगा और उसके बाद जो 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 डॉटेड है सॉरी जो थ्रेड्स है उसके लिए वहां से वो पहले वाले जो सर्कल जो फॉर्म सर्कल है उससे 2 mm छोड़ करके ओनली 3/4 का सर्कल बनेगा। मतलब दिस सर्कल विल मिस द वन क्वाड्रेंट। ओके सर। चरण यू हैव एनी क्वेश्चन? सर दैट बोल्ट लेंथ 12.5 ना सर, हाउ इट केम सर 12.5? सॉरी बोल्ट बोल्ट लेंथ इज थ्रेड लेंथ सर, थ्रेड लेंथ, थ्रेड लेंथ इज हियर मेंशन इट इज हाफ थ्रेडेड। जस्ट गो विद द एग्जांपल वन, क्वेश्चन नंबर बी, ड्रॉ द फ्रंट व्यू साइड व्यू ऑफ हेक्सागोनल हेडेड हाफ थ्रेडेड बोल्ट। So it is also already mentioned in question. That's why I'm only going with this 50 mm. And you are talking about a standard. Standard is okay. Sir, okay. The thread length 12.5 is based on the standard, sir. But in the question, okay, that is okay. What the standard you have showing? Okay, that it would be the 2D. That is okay. I agree. But in question, it is mentioned the half bolt. Half threaded is already, it is asking about that. Okay, sir. And that bolt head and the thread what length, how much, sir? Bolt head and... Sorry? Bolt head is there, no, sir. Bolt head to thread... Bolt head I am taking is 0.6D. Here, I am taking the bolt head 0.6D. It and means there, 0.6 into 48. I am here taking, मैं यहाँ पे बोल्ट हेड जो है ना 0.6 into 48 ले रहा हूँ। ओके ओके सर। उसमें सर थ्रेड है, इसका क्या एंगल रहता है? ये जस्ट चैम्फर रहता है, 25 और 29 डिग्री का चैम्फर किया रहता है। जैसा चैम्फर आप ऊपर बोल्ट में भी दिखाए हो ना, बोल्ट के हेड में वो भी वही रहता है, 29 डिग्री का चैम्फर रहता है। Naresh, you got it? Okay, sir. Okay, thank you. Got it. Harshit? Yes, sir. Now you are comfortable with my drawing? Yes, yes, comfortable. Okay. Okay, Akash. No, Akash, this circle is your form circle. After that, what you have to take, you just go inside, right, just below of 2 mm, okay, and put another circle inside of this dotted circle, what you have mentioned, dotted circle, and this will be your 3/4. Okay, sir. Akash, and what you have mentioned here, this dotted will not be appear, okay, it is the kind of form circle. Yes, sir. No. Mudit, it is not correct. Okay, sir. ये जो अभी बनाए ना, ये आपने shafts के projections लिया, ये form circle होगा, उसके बाद उसके अंदर thread को दिखाने के लिए, inside thread को दिखाने के लिए हम लोग केवल सर्कल का 3 हिस्सा ही दिखाएंगे, ओके, और वो डॉटेड होगा इसके अंदर, 2 mm अंदर करते हुए एक सर्कल डालो, वो डॉटेड होगा। अच्छा ठीक है, ओके। ये तो बोल्ट वाला पार्ट ओके हो गया, ओनली अपना जो हेक्सागोनल जो फेस है ना उसका बात कर रहा हूँ।
अरे अंदर वाला कितना डायरेक्ट होगा सर? ये तो आपका प्रोजेक्शन पे ही आ जाएगा, आपका जो प्रोजेक्शन लोगे ना, आप जो प्रोजेक्शन जो लिया ना उसी को ऊपर करके एक सर्कल बनाओ जो कि उसके अंदर आ जाए, तो वो अगर आपने जो जो लिया है उसका हाफ करके देना उतना रेडियस का बन जाएगा वो। ओके सर, ओके। आकाश सर मुझे प्लीज करेक्ट। हाँ बोलिए ना। पर ये जो हम हाफ नीचे वाला सर्कल बनाएंगे जो अंदर वाला, वो कितने डायमीटर का रहता है एक्चुअली? देखो वो एक्चुअली क्या है ना, आपका प्रोजेक्शन से आ रहा है तो वो आप देख लो कि आपका ये जो है ना हेड का जो लेंथ है, हेड का विड्थ वही आएगा, उसका उसका डायमीटर वही हो जाएगा। अगर 48 है तो वो 48 ही आएगा, उसका डी होगा, मतलब 24 का और रेडियस का सर्कल बनेगा, वो प्रोजेक्शन को टच करते हुए रहेगा। नहीं वो थ्रेड का जो हाँ थ्रेड वाला जो रहेगा ना, वो जनरली उसको ऐसा मतलब प्रोपोर्शनेट में लेते हैं कि उससे 2 mm जो ये पीच में जो जो गैप रह रहा है, मतलब जो अंदर जो घुसा हुआ है ना पोर्शन, वो 2 mm से 3 mm ही मान के करते हैं। अच्छा, उससे मैंने स्टैंडर्ड 2 या 3 mm ले लेना है सर। हाँ क्योंकि आप जनरली बोल्ट्स को भी देखो ना, आप कोई भी बोल्ट्स बोल्ट्स हेक्सागोनल बोल्ट्स को देखो तो उसमें जो इनसाइड का जो डेप्थ है ना वो 2 से 3 mm ही तो रहता है। ओके ओके, आप चाहे कोई भी बोल्ट लो तो, बट उसमें जो गैप्स जो रहेगा ना वो 2 से 3 mm ही रहता है जनरली। सर ये शेप क्यों है, यानी सर्कल में शेप, यानी यानी कौन से उसका कौन सा रिलेशन है? क्योंकि उसने इन्होंने बोला ये हेक्सागोनल, तो हेक्सागोनल में तो शेप फेस आएगा ना। Fine. Sir, inside वाला सर्कल हो जाएगा और जो आप बाहर की तरफ बनवा रहे हैं वो मतलब नॉर्मल जो सर्किल है। हाँ नॉर्मल, क्योंकि उसके वो नॉर्मल ही रहेगा, बट अंदर के लिए क्या होता है ना, एक स्टैंडर्ड है चार्ट, वो मैं भेजूंगा कैसे किसी ड्राइंग को आपको रिप्रेजेंट रहता है कुछ स्पेशल करेक्टर्स के लिए, तो उसका जो इन साइड थ्रेड के लिए उसमें जो डिनोटेशन है वो डॉटेड 3-4 सर्कल रहता है। ओके सर, अभी भेजा है मोदित, बट एक क्वाड्रेंट को आप इमेज ये कर इरेज कर दीजिए, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 3-4 सर्कल। ओके सर, ओके, तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट को ना इमेज ये कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, और या थर्ड को भी कर सकते हैं, कोई क्यों को आप कर सकते हैं। Okay, so now I think all have done.